तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, प्रोफेशनल वाला? बट आपको मालूम नहीं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद में जो है ग्राफिक डिज़ाइनर बना जाता है, कुछ मतलब कि गाइड नहीं मालूम, बट आपको मालूम है कि मैं सॉफ्टवेयर को तो जो है सीख लूँगा, बट आपको एक कंप्लीट एतमाद नहीं कि कौन से सॉफ्टवेयर के बाद में ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता हूँ। जो भी सारा सीनेरियो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान सलीम, आप देखिए मेरा यूट्यूब चैनल मैं हूँ टेकी। फ्रेंड्स, बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर को लेके। फ्रेंड्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो फील्ड है वो काफ़ी सिंपल है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये जो फील्ड है मैं कहता हूँ 3 से 2 महीने के अंदर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। जो आपको मालूम ही है मेरा बेस्ट जो होता है सीखने का वो यूट्यूब एंड गूगल है, बट आपको मालूम ये नहीं है कि आपको ये मालूम होगा कि मैं यूट्यूब से या गूगल के साथ भी सीख सकता हूँ या मैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता हूँ उधर से भी सीख सकता हूँ। बट मुझे पहले ये मालूम करना है, क्लियर करना है, एतमाद में आना है इस बात को लेके कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए। अब यहाँ पे जब भी बात आती है ग्राफिक डिजाइनिंग की तो दोस्तों इधर दो मेन जो है कैटेगरीज देखने को मिलती है, बड़ी फील्ड देखने को मिलती है। एक है रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स एंड सेकंड होती है वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स। रास्टर बेस्ड जो ग्राफिक होती है वो अपने काम के लिए अलग होती है, और जो वेक्टर बेस्ड होती है उसके अंदर जो है पिक्सल्स की क्वालिटी आप ऐसा समझें कि वो फटती नहीं है, वो हाई रेजोल्यूशन के अंदर क्रिएट की गई होती है इमेज को। तो ये जो सॉफ्टवेयर है अलग होता है और रास्टर बेस्ड के लिए सॉफ्टवेयर अलग यूज होता है। और इस कैटेगरी के अंदर यानी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो 3 सॉफ्टवेयर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मैं आपको तीनों रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं बस दो आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आपको सीखना है रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स एंड वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स तो एक सॉफ्टवेयर रास्टर के लिए रिकमेंड करूँगा एंड सेकंड जो करूँगा वेक्टर के लिए। ये दोनों सॉफ्टवेयर को अगर आप सीख जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ, और अगर आपकी क्रिएटिविटी साथ देती है इस चीज़ को आप साथ जहन में रखें, ऐसा नहीं है कि बस आप सॉफ्टवेयर को सीख जाएँ उसका लेआउट जो यूज़र इंटरफेस है सारे टूल्स को सीख जाएँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए। ग्राफिक डिज़ाइनर आप उस तरह पर बनेंगे जब आपका जो माइंड है वो चलना चाहिए, यानी क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए माइंड के अंदर। अगर ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर है मैं कहता हूँ कि ये बंदा मतलब कि सीखने से नहीं बन सकता, मतलब लर्न करने के बाद जो प्रैक्टिस करता है बंदा उससे सीख सकता है, या तो ये जो है नेचुरली बंदा के अंदर जो है एक क्रिएटिविटी होती है आर्ट वगैरह की तो उसके थ्रू ये बन सकता है। मतलब कि ऐसा ही नहीं कहूँगा कि जिसके पास मतलब कि क्रिएटिविटी पैदाइशी नहीं है, यानी कि जिसके अंदर आर्ट के अंदर की स्किल अच्छी नहीं है, नेचुरली नहीं है उसका माइंड इस टाइप का, तो भी बन सकता है, बट उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जो आपको मालूम ही है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर तो आपके जो काम है बिल्कुल 0 लेवल का होगा। भले ही आपको पूरा पूरा टूल को यूज़ करना आता हो, सारे इफेक्ट्स के बारे में मालूम हो, कुछ काम नहीं आने वाला जब तक आपको माइंड नहीं चलेगा। तो मेन चीज़ आपके माइंड के ऊपर, आपका माइंड क्रिएटिव है भले आप टूल मुकम्मल चलाना आता हो या ना, तो बट आपका जो माइंड है वो 110% चलना चाहिए। अब बारी यहाँ पे ये आती है, पहले हम क्लियर करते हैं रास्टर बेस्ट सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, रास्टर बेस्ट ग्राफिक के लिए कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है। वो सिंपली एक ही है, ऑल इन वन बेस्ट टूल है, बेस्ट सॉफ्टवेयर है, वो है एडोबी का एडोब फोटोशॉप। फ्रेंड रियली अगर आप एक सॉफ्टवेयर को सीख जाते हैं मुकम्मल तरीके से, सारे जो टूल्स उसको समझ जाते हैं, सारे ऑप्शंस सारे फीचर्स को उसको समझ जाते हैं, तो आप रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब बारी यहाँ पे आती है वेक्टर बेस्ड की। अब वेक्टर के अंदर यहाँ पे दो जो है कैटेगरी देखने को मिलती है सॉफ्टवेयर की। कुछ जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कोरल ड्रो बेटर है इस काम के लिए, और मेरे जैसा जो लोग हैं दूसरे वो कहते हैं एडोब इलस्ट्रेटर। ये एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रो के बीच एक बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ी जंग है, तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ के अंदर, क्योंकि मैं ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम कर चुका हूँ, मेरे को इस सारी चीज़ों को मालूम है, तो इसलिए मैं आपसे डिटेल में बात कर सकता हूँ। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप कहेंगे मेरे को बोलने के लिए, तो मैं 1-1.5 घंटा ईजिली बोल सकता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर। और साथ हम बात करते हैं यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर वर्सेस कोरल ड्रो। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा जब आप एडोब फोटोशॉप सीखेंगे, यानी कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है मुकम्मल तौर पे, तो आपको विक्टर भी आना चाहिए, रास्टर भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक सीख के बैठ जाएं, अगर आप दोनों सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, बट आप एक भी सीख सकते हैं सिर्फ। जब आप एडोब फोटोशॉप सीखेंगे तो आपको जो उसका यूज़र इंटरफेस है, यूआई जो कहलाती है, यानी कि इंटरफेस है सॉफ्टवेयर का, वो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। फिर अगर आप इसका इलस्ट्रेटर भी सीखेंगे जो विक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के लिए बेस्ट है एडोब इलस्ट्रेटर, तो उसका भी आपको ईजिली पिकअप कर सकेंगे, क्योंकि सबका दोनों का जो यूज़र इंटरफेस है तकरीबन सेम है, टूल एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे, फीचर इफेक्ट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें एक ही तरीके से मेरे की लेयर वगैरह का जो ऑप्शन होता है, सारे जो तमाम जो इंटरफेस आपको लगेगा नहीं कि अलग अलग किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ, बट टूल्स के अंदर काफ़ी ज़मीन और आसमान का फर्क है। बट मैं यूज़र इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की कंपनी एक ही दोनों एडोब की है, एक एडोब फोटोशॉप है तो दूसरा इलस्ट्रेटर है, जो इलस्ट्रेटर है वो विक्टर बेस के लिए काम करता है, तो ऐसा सीन है। बट अगर आप एडोब फोटोशॉप के बाद अगर आप सोचते हैं विक्टर के अंदर मैं एक जो है कोरल ड्रो को सीखूँ, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो इंटरफेस है, जो उसकी कमांड्स वगैरह हैं वो थोड़ी चेंज होगी, जो उसकी शॉर्टकट की है उसका वो चीज़ चेंज होगी, इंटरफेस चेंज होगा,
होगा। तो मैं इसीलिए रिकमेंड करूँगा, सबसे पहली बात तो यही है, आपको बिल्कुल मतलब कि कोई और रीज़न नहीं है कि आप एडोब कोरल ड्रॉ क्यों नहीं सीख रहे। तो सिंपल रीज़न तो आपको मैं यही दे रहा हूँ कि दोनों का इंटरफेस सेम है, दोनों की शॉर्ट की सेम है, यानी कि जो कर्सर की जो की होती है वो वी होती है, जो एडोब फोटोशॉप में भी सेम है, इलस्ट्रेटर में भी सेम है, प्रीमियर प्रो में भी सेम है, आफ्टर इफेक्ट में भी सेम है, सारी जगह सेम है। यानी कि इनकी जो एक चीज़ है, यानी कि एडोब की सॉफ्टवेयर की कंपनी की जो उन्होंने चीज़ खो भी रखी है, सभी शॉर्ट कीज भी, यानी कि जो शॉर्टकट की होती है वो सेम रहती है डिफॉल्ट वाली। तो ये तो एक काफ़ी अच्छा रीज़न है, और दोनों का जो यूज़र इंटरफेस है वो एक ब्रांड टैटू हो जाएगा, क्योंकि एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर कंबाइन है। बट अगर आप एडोब फोटोशॉप का कोरल ड्रॉ पे जाएंगे तो आपको उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो अलग देखने को मिलेगा। वो मैं आपको 110% गारंटी से कह सकता हूँ, कोरल ड्रॉ जो सॉफ्टवेयर है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस टाइप की जो कंट्रीज़ है हमारी एशिया के अंदर, इधर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है, इसकी कदर है। बट जो इंटरनेशनल लेवल के जो क्लाइंट्स होते हैं वो जो है इलस्ट्रेटर का काम मांगते हैं। ऐसा अगर आप फ्रीलांसर भी काम करेंगे तो आपको आगे जाके मालूम चलेगा मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में ही इलस्ट्रेटर को सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंटरनेशनल लेवल हो चाहे लोकल लेवल हो। अगर आप इलस्ट्रेटर की फाइल किसी को देते हैं या कहते हैं कि मैं इलस्ट्रेटर पर काम कर सकता हूँ, तो वो कोई बंदा जो है आपको मना कर ही नहीं सकता। अगर आप जॉब के अंदर जाते हैं तो आप अगर इलस्ट्रेटर का नाम लेंगे सॉफ्टवेयर का, तो बिल्कुल आपको 110% कहेगा कि हाँ आप एलिजिबल हो इस काम के लिए। बट काफ़ी जगह जो कोरल ड्रॉ है वो यूज़ नहीं होता, क्योंकि एक लोकल बेस्ड था उसका जो यूज़र इंटरफेस है। माना सॉफ्टवेयर दोनों अच्छे हैं, बट एडोब इलस्ट्रेटर मेरी तरफ से ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो इलस्ट्रेटर को भी सीखना ज़रूर ही है आपके लिए। अगर आपको लोगो डिज़ाइनिंग करनी है, बैनर डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, सब कुछ काम जो है आप इधर भी कर सकते हैं ईजीली। तो ये है एक मेन रीज़न। और अगर आपको ये भी मालूम चल ही गया होगा, अगर आपको जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो कौन से सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, और अगर आप दोनों सॉफ्टवेयर को मुकम्मल तरीके से सीख जाते हैं विद क्रिएटिविटी के साथ में, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि अब आप जो है एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर जो है बन चुके हैं। आपको मेरे को मालूम है, आपको बस इसी चीज़ की देर थी कि आपको खाली मालूम चल जाए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर अगर आप मेरे आपको आ जाते हैं तो उसके बाद में आप ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाएंगे। तो मैं कहता हूँ फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर मुकम्मल सीख जाएँ, एक आप मुकम्मल तौर पर एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं ईजिली, अगर आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव है तो। एंड नेक्स्ट थिंग, सीखना कहाँ से है, सीखना हमेशा की तरह जो मेरी एक टिप रहती है वो है यूट्यूब के ऊपर से। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रोफेशनली एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। वो किस तरीके से, यूट्यूब एंड गूगल के ऊपर आपको सिंपली जाना है, लिखना ये है एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स इन उर्दू इन हिंदी, अगर बैगनर है तो बैगनर्स वगैरह के लिए लिखे, यूट्यूब के सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों की तादाद के अंदर वीडियो जो है देखो मिल जाएंगी, काफ़ी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अगर आप हिंदी को सपोर्ट करते हैं, हिंदी समझते हैं तो हिंदी लिखेंगे तो हिंदी में जो लोग हम आपको उधर सिखा रहे होते हैं उर्दू में भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट। तो दोस्तों बहुत जगह से आप सीख सकते हैं यूट्यूब एंड गूगल के थ्रू। तो ये एक मैं आपको हमेशा से ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, चाहे मैं बात करूँ किसी भी कोर्स को लेकर, यूट्यूब एंड गूगल से बेटर कोई नहीं सिखा सकता। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान में बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, और मैंने उसी के अंदर कुछ चीज़ें को डिटेल में बात की थी, डेप्थ में मेरा साथ जो क्लियर किया था कि किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से बेटर ये रहेगा, अगर आप कोई भी जगह पे जाए बगैर अगर आप घर पे सीख सकें विदाउट किसी फ़ी को पे किए तो कैसा रहेगा। जो आप अगर फ़ी पे करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए तो भी 6 महीने का जो है कोर्स रहता है इंस्टीट्यूट के अंदर, और यही चीज़ आप 2 से 3 महीने के अंदर सीख जाएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग ईजिली यूट्यूब से, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्यूटोरियल फॉलो करते हैं। और अभी तो लॉकडाउन की सिचुएशन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देख के सीख सकते हैं, और इम्प्लीमेंट करने का भी जो मौका है फुल देखने को मिलता है। और आपका जो है अपॉर्चुनिटी है जो 15 से 21 दिन का जो लॉकडाउन रहा है कराची में भी और पूरे पाकिस्तान में ही रहा है और काफ़ी और कंट्री में देखने को मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं सीख रहे। और अभी से आप चाहे सर्च करें अगर आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 से 3 महीने अगर आप देंगे इन दोनों सॉफ्टवेयर पे तो आप मुकम्मल अच्छे तरीके से जो है प्रोफेशनल बन जाएंगे ग्राफिक डिज़ाइनर। यूट्यूब की मदद से आप बन सकते हैं भाई, इजीली बन सकते हैं, कोई उसमें दौड़ वाली बात नहीं है। इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाएंगे जो फीस पे करेंगे कुछ 20 से 25 हज़ार तो पे कर ही देंगे 6 महीने के अंदर, तो उससे बजाय क्या फ़ी पे करें, उसकी बजाय आप एक अच्छा पीसी या लैपटॉप बाय कर लें उसी को इम्प्लीमेंटेशन करें तो कैसा रहेगा। ये मेरा पर्सनली पर्सपेक्टिव है कि किसी को फ़ी दिए बगैर अगर आप घर में सीख सकते हैं क्यों ना हम अपने पैसे को बचाएं और पैसे को इन्वेस्ट करें हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप लेने के अंदर। तो मैं ऐसा ही सोचता हूँ, हो सकता है कि आप में से भी काफ़ी लोग ऐसा ही सोचते हैं और जो मेरी बात है उसको माने और अपने पैसे बचाएं और घर में इंजॉय करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीख के। फिर मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो आज की वीडियो है पसंद आई होगी। हमेशा की तरह मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि यूट्यूब से सीखें और किस तरीके से कौन सी फील्ड सीखनी है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि ग्राफिक डिज़ाइनर आप किस तरीके से बन सकते हैं घर में बैठते हुए फास्ट एंड ईजी वे में। फिर मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो पसंद आई होगी, मुझे पता है हमेशा की तरह आपको आज की वीडियो पसंद आई है, और वीडियो को लाइक तो आपको करना ही नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब
करना ही नहीं बिल्कुल भी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो मेरी है हौसला अफजाई होती है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप, और वीडियो पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है अगर आप करेंगे तो। हमेशा की तरह मुझे अच्छा लगेगा जब भी आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो बस इस फिलहाल इतना ही था, देखने को सारा शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।